मैंने ये दाल बनाई थी तो जेना मूंग की भुनी हुई, तो मैंने सोचा आज मैं इसके परांठे बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसकी रेसिपी। मैं नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी कैसे बनाती हूँ मूंग की दाल भुनी हुई। अक्सर घरों में बनती ही है, फिर लाजमी सब परांठे ही बना रहे होते हैं, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। तो आप देखते हैं परांठे इसके कैसे बनते हैं, बनाते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लोग ऐसे परांठे बनाते हैं इसके। बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है मूंग की भुनी हुई दाल ना। तो अक्सर हम लोग बनाते रहते हैं, ये सब शौक से खाते हैं घर वाले। तो फिर हम इसके परांठे बनाते हैं लाजमी, परांठे भी बहुत पसंद है सबको। ये आप इसको ऐसे कर देंगे ना तो ये फिर खुलते नहीं है, अक्सर होता है खुल जाते हैं दाल निकलती है वो होती है, तो इसको ऐसे प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से। अच्छे लग रहे होते हैं और गर्म गर्म ही अच्छे लग रहे होते हैं, तो जैसे जैसे पान लगता है तो सब बैठ जाते हैं, तो परांठे बना बना के देते रहें और गर्म गर्म खाएं तो वो उसी में मज़ा देता है। अब देखिए हमारा परांठा हो गया है तैयार, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं अपना मतलब रायते के साथ। हमने ग्रीन चटनी का रायता बनाया है और ये हरी टमाटर वाली चटनी है, सैलेड है और हमारा अचार है। तो अब आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब चीज़ें बताऊँगी इंशाल्लाह ताला कि ये चटनी भी कैसे बनाते हैं हम, और दाल का भी बताऊँगी। और ज़रूर कमेंट मुझे करिएगा कि आप लोग कैसे लगी है, पराठा कैसा लगा मेरा खासतौर पर ना। तो देना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चला फिर।